नमस्कार, मैं अंकिता, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम अभी मौजूद है छोलदारी के बचरा पहाड़ में, जहाँ की फ्लड लाइट का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। हम सभी को पता है कि स्पोर्ट्स हमारे लिए कितना जरूरी है। तो यहाँ पे हम जैसे ही पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा ग्राउंड दिया गया है, जहाँ पे लाइट्स वगैरह दी जा रही है। तो इसका श्रेय जाता है श्री संजय कुमार जी, जिला परिषद। उन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया और यहाँ पे लाइट्स लगवाने के लिए संघर्ष किया। और अभी यहाँ पे कुछ ही दिनों में, जैसे कि हमें पता चला है कि से एक या दो हफ्ते में यहाँ पे लाइट्स का इंतजाम हो जाएगा, जहाँ पे हमारे बच्चे खेल पाएंगे। और जिन्हें स्पोर्ट्स पसंद है, उन्हें दिन के टाइम में स्कूल वगैरह जाना पड़ता है, तो उस वजह से वो खेल नहीं पाते। तो रात के टाइम में जब लाइट्स वगैरह रहेंगी तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि यहाँ पे वो खेल पाएंगे रात के टाइम। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, जो बड़े भी है उनको भी स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। स्पोर्ट्स के साथ साथ वो अपना यहाँ पे मनोरंजन कर सकते हैं, दूसरे का स्पोर्ट्स देख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। सिर्फ यहाँ के बच्चे ही नहीं, बाहर के भी बच्चे आके यहाँ पे खेल सकते हैं। जब वो आकर देखेंगे दूसरे बच्चे को खेलते हुए तो उन्हें मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन की वजह से वो यहाँ पे खेलना पसंद करेंगे। लाइट्स का जो प्रबंध हुआ है उसका अच्छे से फायदा उठा पाएंगे। अध्यक्ष मिस्टर संजय कुमार सिंह जी, उपाध्यक्ष भूमिनंदन सर जी, IAS एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्मिता आर जी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर शांता बहादुर सर जी, GNB प्रिंसिपल श्रीलता जी, इलेक्ट्रिसिटी AE जय कुमार सर। सबसे पहले मैं तो ये पंचायत की ओर से और गाँववासी की ओर से सबके हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये हमारे ये ग्राउंड जो है छोलदारी के हर कार्यक्रम जो यहाँ पे होते हैं, खेल कूद जितना भी हो रहा है सब यहीं पे होते हैं, पूजा मेला सब कुछ। इसलिए यहाँ पे लाइट का बहुत जरूरत है। फ्लड लाइट का शिलान्यास आज जो हुआ है, ये हमारे जिला परिषद छोलदारी के प्रमिला जी के बहुत मेहनत के बाद हम लोग सफलता मिले हैं आज। अब हमारे जो शिलान्यास कार्यक्रम है उसका शिलान्यास के लिए अध्यक्ष संजय कुमार सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो जाए। सबको अशेष धन्यवाद। इसके बाद हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे एक स्वागत गीत लेके। आज बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। आज हम स्वागत करेंगे हमारे बीच उपस्थित अध्यक्ष जी का, जिन्होंने यहाँ बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी लाया है, इसलिए सर के लिए एक जोरदार ताली के साथ सर का एक स्वागत किया जाए। आज बहुत ही खुशी का माहौल है। हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ पर जो उद्घाटन की ओपनिंग सेरेमनी किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर लाइट लगवाया जाएगा। और बच्चों का काफी दिन से इसका डिमांड था कि यहाँ पर लाइटिंग किया जाए, जो कि रात को भी वे खेल सके। तो अभी जो रिसेंटली जो एक मेला हुआ था, उस मेले के बीच में मोहन जी ने बात रखा, हमारे अध्यक्ष जी ने और हमारी जिला मैडम ने बहुत ही मेहनत के साथ जो उनके पास जो फंड होता है उनका एक हिस्सा हमारे गांव में भी दिया गया। इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद हमारे गांव के रिलसी डायमंड और इसके स्टूडेंट द्वारा कुछ मार्शल आर्ट का जो बच्चों लोग को सिखाते हैं उसका टेक्निक दिखाया गया। ये जो कर रहा है कोरो मिक्स मार्शल आर्ट है, जो अभी रिसेंटली मैं बताना चाहता हूँ। अंडमान से जो हमने नेशनल के लिए गया था उसमें 17 मेडल आया अंडमान के लिए, कोरो के लिए। और उसमें और एक चीज बताना चाहता हूँ, इसमें सभी गांव के बच्चे हैं और जो भी यहाँ में क्लास चलता है फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है छोलदारी में,
यहाँ पे मुझे बहुत सपोर्ट किया जाता है, जो जिला मैडम, प्रधान मैडम, समिति मैडम और पीआरए मैडम यहाँ पे जो भी है, और यहाँ का स्टाफ मुझे बहुत सपोर्ट करता है। क्योंकि कैंसर पेशेंट है, जो 10 साल से कैंसर पेशेंट था, अभी जब कोरो मार्शल आर्ट में आने के बाद इसका अभी कैंसर ठीक हुआ है 1 साल से। अध्यक्ष जी को अनुरोध करूंगा कि हमारे इस प्रोग्राम के लिए दो शब्द कहें। सभी को नमस्कार। आप लोगों ने इस मेला में हमें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहली बार में मेला में आया था ये। तो वाकई में इतना बड़ा आयोजन आप लोग करते हो, ये देख के कि किसी तरह का बिना किसी प्रशासनिक सहयोग, ये सिर्फ आप लोग आपस में चंदा करके इतना सुंदर कार्यक्रम किए, और मैंने सुनिश्चित किया कि मैं अपने कार्यकाल का पूरा करने से पहले इस कार्य को जरूर करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये कमिटमेंट को अगर मैं पूरा कर पाया है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है हमारा इंजीनियर मिलता है, जो कि हमारे सामने जो रही साहब है, यही साहब है हमारा। तो इतने कम समय में आपने हमारे जिला परिषद के साथ मिलकर इतना बड़ा अचीवमेंट हम सबको दिया, हमारे पूरे गांववासी को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली संजय जी, मैं और एक बात बोलना चाहूँगी, हमारे जो गांव के लोग हैं और हमारे जो आज़ाद हिंद कमेटी के लोग हैं, ये आपको स्पेशली धन्यवाद देना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन समय बहुत कम है, तो इसलिए मैं अनुरोध करूंगी हमारे मोहन दास जी से, जिन्होंने आपको अप्रोच किया था कि यहाँ पे इतना बड़ा वर्क किया जाए, तो मैं पूरे गाँव वासियों की तरफ से उन्हें आपको एक बार धन्यवाद के लिए मैं अनुरोध करूंगी। जब पहले प्रमुख थे तब हम जब प्रधान चिल्लाते थे और एक प्रमुख थे जो निकोबार की तरफ से ये आके भी चिल्लाते थे, तब से मेरे साथ भी काम करते हैं, मैं जानता हूँ कितना एक्टिवली काम करते हैं संजय भैया। आज यहाँ पे नरम से बात करते हैं लेकिन ऑफिसर्स लोगों का सामने जाके बहुत चिल्ला चिल्ली करते हैं। आज मैं बताऊं कि ये जो फैटलेट बने हैं तो आज हमारे संजय जी के वजह से, आज संजय जी ने जो वादा किया वो आज निभाया, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि मैं तो कुछ कर सकती हूँ लेकिन देना उनका काम है, तो वो मेरे को बोलते थे मैडम आपका जो काम है वो क्या है, हम बोले सटपट करने नो ड्यूस ले, नो ऑब्जेक्शन, तो ग्राउंड किसका है ये भी मुझे नहीं मालूम। फिर मैंने कोशिश करा पटवारी मैडम से बात, काफ़ी मुशक्कत के बाद पता चला कि ये हमारे आर्ट एंड इसमें है, तो वहाँ से जाके मैं ये आपका NOC लेके, और साथ साथ जैसे मैंने आज NOC दिया तो कल से उन्होंने काम किया, ये उनका बहुत बड़ा एक हमारे ऊपर दया है। जो भी आज यहाँ पे आए सारे टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। तो संजय कुमार जी हमारे साथ में जो कि जिला परिषद है, तो वो हमारे इस इनॉग्रेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। नमस्कार सर। यहाँ के ग्रामवासी खासतौर से हमारे प्रमिला मैडम जो जिला परिषद मेंबर है, एक अध्यक्षा है हमारा चैताली मैम, समिति मेंबर है हमारा मोहन जी, एक प्रधान है, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया था इस मेले में मुख्य अतिथि के तौर पे, और उस मेले में मुझसे ये मांग रखी गई थी कि यहाँ पे बच्चे जो है आए दिन जो है खेल प्रतियोगिता करते हैं, और कई तरह का ऐसे पब्लिक भी गैदरिंग और कार्यक्रम होता है, लेकिन लाइट का व्यवस्था न होने की वजह से बहुत बड़ी समस्या होती है और बहुत बड़ा लेवल में खर्चा करना पड़ता है, और उन्होंने मांग रखा है कि जिला परिषद की तरफ से इनको फ्लड लाइट की व्यवस्था की जाए, तो बहुत ही अच्छा एक उनके लिए सहयोग हो जाए करके। प्रमिला मैडम का बहुत बड़ा संघर्ष इसमें रहा कि जो भी जरूरत की चीज़ें थी, रिक्वायरमेंट थी हमारा पेपर का, वो सारे उन्होंने पूर्ति किया, जिसके चलते आज जो है हम इस कार्य का फ्लड लाइट का हम शिलान्यास किए हैं। तो आइए बात करते हैं प्रमिला मैम से, जो कि यहाँ की एक्स अध्यक्ष रह चुकी है, तो उनका इस बारे में क्या कहना है। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप मीडिया वालों को भी हमारा हमेशा सहयोग देते हैं, आपको भी धन्यवाद। ये ग्राउंड बनकर 30 वर्ष ऊपर हो गया, पर यहाँ हर बार ये कोशिश होता है कि यहाँ स्टेडियम बने, तो यहाँ पे मेला में आए संजय जी को और हमने बोला कि एक छोटा सा शुरुआत जिला परिषद से करें, फ्लैट लगाने के लिए हमने कोशिश किया, और
हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटीज ने भी हमें बहुत सहयोग किया, क्योंकि वो बोले थे एस्टिमेट हो चुका था, तब भी उन्होंने एनओसी दिया और विद इन 2 डेज में उन्होंने दिया और उसे इस कार्य को इतना स्पीड करने में सके, नहीं तो इतना स्पीड हमारा ये कार्य नहीं होता। और अध्यक्ष जी का भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी बहुत एफर्ट लिया, उस तरह हमारे सीओ मैडम ने भी, ये नहीं कहा कि लास्ट हो रहा है बजट का, उन्होंने भी बहुत काम किया। और उसी तरह हमारे जो जिला परिषद के जेई है, ई है, हमारे प्लानिंग अफसर है, अकाउंट ऑफिसर है, सब ने सहयोग किया, जिस वजह से इतना स्पीड में जनवरी में ये बात हुआ और फरवरी में हम स्टोन लगा पाए। मेरे ख्याल से इस वर्ष हमारा स्टेडियम भी होगा। धन्यवाद बच्चे, आपने 3 बजे से आकर यहाँ वेट करे, हमारे यहाँ इतना सपोर्ट करे, इसके लिए आप दोनों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं हमारे कूडो मिक्स मार्शल आर्ट के डायमंड सर। सडनली उद्घाटन था मैडम जो बोली, एक छोटा सा प्रोग्राम करना था, क्योंकि अभी तो लेटेस्ट सभी बच्चों का एग्जाम चल रहा है, फिर भी एक बिजी शेड्यूल होते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया, मुझे सौभाग्य मिला, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और कूडो एक आप इतना मेरा सपोर्ट कर रहा है आपके चैनल के द्वारा, कूडो का मार्शल आर्ट के द्वारा, तो मैं आपको थैंक यू और यामिन भाई को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। यूथ फ्यूचर है, बच्चों के लिए जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये ग्राउंड जो है क्रिकेट के लिए पॉसिबल हो सकता है नाइट मैच। तो जैसा कि आप सबने देखा कि संजय जी ने बताया कि उन्होंने कितने प्रयास करे इस चीज के लिए, हम धन्यवाद कहना चाहेंगे परमिला जी को जो एक्स अध्यक्ष रह चुकी है, तो उनको हम धन्यवाद करना चाहेंगे जो कि उन्होंने इतने मेहनत के बाद में यहाँ पे लास्ट में जो रिजल्ट है वो मिल चुका है, कुछ ही दिन में ये चीज़ हमारे सामने आ जाएगी। मैं ये बोलना चाहूँगी अपने दर्शकों से कि सिर्फ यहाँ ही नहीं, अंडमान के सारे जिले में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे स्पोर्ट्स के इवेंट जो अभी हो रहे हैं ये सारे जगह होने चाहिए, और जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिले, बच्चों को टाइम मिले खेलने का, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये चीज़। इसी के साथ कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं अंकिता, न्यूज़ अंडमान 24/7, धन्यवाद।